बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिकल मेथड बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसका नाम है इनफिनाइट सीरीज़, और इसका लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, और हम एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। nth टर्म क्या है यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू है 5 की पावर n प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर 5n+1 प्लस माइनस 1 की पावर n+1, और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई, यहाँ पे 5 की पावर n है, यहाँ पे 5 की पावर n+1 है, तो हम इसमें से यही कॉमन ले लेते हैं, ऊपर में से 5n मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, जब इसके नीचे 5n के नीचे 5n डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट का होके क्या आ जाता था, 1 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 5n+1, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब 5n+1 इसके नीचे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, -1 की पावर n+1, और यहाँ पे आ जाएगा 5n+1 इस तरीके से। तो लिमिट इसकी कितनी आ रही है, यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रही है। अब यहाँ पे बेस एक जैसे हूँ तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये 5n+1 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5n और ये 5, क्योंकि इसके साथ हमने कैंसल आउट करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 5n और ये है 1 प्लस माइनस 1 ओवर 5, और उसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, n, और नीचे भी ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 5n 1 प्लस माइनस 1 ओवर 5n 5, और ये उसकी पावर क्या है, n+1, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट कितनी आ रही है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये बच्चों इस होल की पावर n है, अब 1 ओवर 5 है, या यहाँ पे कोई भी हो सकता है, 1 ओवर 5 0.25 या कुछ भी हो जाएगा। छोटे नंबर की पावर अगर हम लेते जाएं बहुत बड़ी, मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0.2 है, इसकी पावर 10 लें तो ये या 10 लें तो कुछ जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी तरह जब हम 0.2 की पावर यहाँ पे बहुत बड़ी ले लें, मतलब n की जगह पे कोई इन्फिनिटी बहुत बड़ा ले लें, तो एक वक्त आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको और इसको जीरो कर देंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर 5 1 प्लस 0, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0, तो इसकी सीक्वेंस का जो आंसर आ जाएगा वो 1 ओवर 5 आ जाए। तो गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1 ओवर 5। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा चल रहा है। अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, ये हो जाएगा ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा cn+dn, और इसकी होल पावर 1 ओवर n, और यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है वो कहता है d ग्रेटर देन है c से, c ग्रेटर देन है 0 से। सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे d ग्रेटर देन है ना, तो अगर हम क्या करते हैं dn मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dn सी एन ओवर डी एन, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो इसकी होल की पावर क्या है, 1 ओवर n, ये होल की पावर कितनी है, 1 ओवर n, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एन, और ये क्या है, उसकी होल की पावर 1 ओवर n है, तो 1 ओवर n हो जाएगा यहाँ पे, तो सी ओवर डी इस होल की पावर n+1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी होल की पावर क्या है यहाँ पे, फिर 1 ओवर n, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे d आ जाएगा, और लिमिट कितनी आ रही है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा c ओवर d की पावर n+1 और 1 ओवर n। आई समझ, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि d ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, अगर d डिवाइड्स है बहुत साइड डिवाइड कर दे सब के नीचे, तो ये हो जाएगा 0 ओवर d, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब c ओवर d और ग्रेटर, c ओवर d क्या है, लेस देन 1, c ओवर d क्या है, लेस देन 1,
वन से लेस देन है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हम लिख लेते हैं 0.5। यहाँ पे उसकी होल की पावर क्या है, n। अगर हम इसकी पावर n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अगर यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर ले लें तो एक वक्त आएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि d, और ये हो जाएगा 0 + 1 की पावर 1/n। तो d और ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d। तो हम कहेंगे कि z गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू d, तो ये d को कन्वर्ज कर रही है। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले nth टर्म हमारे पास गिवन होती है, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 5 की पावर n ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर। जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये कौन सी फार्म आ जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फार्म आ जाएगी। तो हम इस पे लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, बाय लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल वो क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे वो होगा 5n log of 5, और नीचे वाला का डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे है 2n + 1 power 1 आ जाएगी। फर्दर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट की पावर n है, जिस तरह ये वेरिएबल है, मतलब d ओवर dx अगर ax हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ax log of a। तो इसका एक और डेरिवेटिव ले ले तो वो कितना हो जाएगा, log a का स्क्वायर, और ले लें तो log a की पावर 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा दोबारा फिर अप्लाई कर देंगे इस पे ये लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर दोबारा n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो दोबारा फिर आ जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। तो हम इस पे फिर दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5n log 5 का स्क्वायर, और नीचे फिर आ जाएगा 2n का फर्दर डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो ये हो जाएगा 5n log of 5 उसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2। अब लिमिट आ रही है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब नीचे तो n कैंसल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो गया, सिर्फ ऊपर n की जगह इन्फिनिटी बच रहा है, n बच रहा है यहाँ पे, तो log 5 उसका स्क्वायर और नीचे 2, तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो हम कहेंगे गिवन सीक्वेंसेस डाइवर्जेस, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, इन्फिनिटी को। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अगर इस पे गौर करें तो ये एक किस्म की मैकलेरन सीरीज है जो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिमिट वैसे अप्लाई कर देंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो मैकलेरन सीरीज भी सेम इसी तरीके से होती है, वी नो दैट मैकलेरन सीरीज क्या होती है, e की पावर x किसके बराबर होता है, 1 + ex किसके बराबर होता है, 1 + x/1 (x²)/(x²)/(x³)/(x³)/(x)³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 /(x
सीरीज होती है। अगर इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन ए का और इसमें पुट कर दूं एक्स की जगह पे वन, एक्स की जगह पे वन पुट करूं तो ई की पावर वन क्या हो जाएगा, ई, ये वन प्लस वन ओवर वन का फैक्टोरियल, वन स्क्वायर ओवर टू का फैक्टोरियल, वन थ्री ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस इसी तरह वन एन एन ओवर एन का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये वाली शक्ल बनानी है इसकी, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का। तो स्टेरिक इक्वेशन का जब हम लोग नाम देंगे इसको तो ये देख ले, इस पे ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू वन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वन आ जाएगा, वन ओवर टू आ जाएगा, वन ओवर थ्री फैक्टोरियल आ जाएगा और ये वन ओवर एन फैक्टोरियल आ जाएगा। ये प्लस वन इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, बाकी बच जाएगा यहाँ पे वन ओवर टू का फैक्टोरियल, वन ओवर थ्री का फैक्टोरियल, प्लस डैश डैश वन ओवर एन का फैक्टोरियल। तो इक्वेशन स्टेरिक से आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा किसके बराबर है, ए एन के, ये सारा किसके बराबर है, ए एन के बराबर है।
तो हम लिख सकते हैं कि e माइनस वन इज इक्वल टू है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर है ए एन का। तो इसका जो रिजल्ट आया e माइनस वन आया, तो हम कहेंगे कि गिवन सीक्वेंस कन्वर्जिस टू e माइनस वन, ये e माइनस वन को कन्वर्ज कर रही है। अब हम इसका करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ए वन की वैल्यू इस तरीके से दिया हुआ है ए एन प्लस वन टू प्लस ए एन स्क्वायर रूट, और एन की वैल्यू कहते हैं ग्रेटर देन वन है, मतलब वन से क्या है ग्रेटर देन है। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 2 plus a n, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि ये वाला फंक्शन भी l के बराबर है और ये वाली टर्म भी किसके बराबर है l के बराबर है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको a n के हद तक रखना है। पहले हमने जितने क्वेश्चन किए सिर्फ a n होता था, उसको हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते थे और सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है ए एन प्लस वन, और यहाँ पे n की वैल्यू कहता है ग्रेटर देन वन है। बहरहाल हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन किसके बराबर है l के, और ये टू प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन भी किसके बराबर है l के बराबर है। तो हम ए एन और इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे l पुट कर देंगे। तो ये सारा इसको जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L और ये हो जाएगा 2 प्लस L। अब इसमें क्या करेंगे, हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो L की वैल्यू यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में है, हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस एल स्क्वायर रूट उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस एल, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस टू एल प्लस एल माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, L L माइनस टू प्लस वन ये हो जाएगा L माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जब इसको फैक्टराइज किया तो L स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से भी L माइनस टू ये वन कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा L प्लस वन और ये हो जाएगा L माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे L की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, L इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, L माइनस टू इक्वल टू जीरो है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी टू। वो कह रहा था कि n की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है, मतलब इसमें से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे नॉट नेगेटिव। तो गिवन सीक्वेंस क्या लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू किसके, किसको कन्वर्ज कर रही है टू को कन्वर्ज कर रही है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज आज 7.1 कंप्लीट करवा दी। आप लोग तमाम बच्चे इसको प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है 0300 वाला, आप उस पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें या कॉल करें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फुल रहनुमाई करूँगा, आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।